हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सारिका वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल स्टफ चीला और पनीर फिंगर्स। ये दोनों चीजें हम बनाएंगे सिर्फ एक ही बैटर से, और वो बैटर हम बनाने वाले हैं सवा के चावल से जो व्रत में खाए जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सवा के चावल का चीला बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप सवा के चावल, और ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो अब हम इसको 2 से 3 बार धो लेंगे। ये देखिए ये हमने धो लिए हैं, और इनमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको सोख करके रखेंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है और मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब हमें इसको करना है ग्राइंड, तो हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार, और ये पूरे सवा के चावल हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो हमने पूरे सवा के चावल इसमें डाल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच दही, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। तो इसको हम हाथ से तोड़ के ही डालेंगे, और इसमें डालेंगे 1 इंच बड़ा अदरक का टुकड़ा, और डालिए 1/2 चम्मच नमक, ये व्रत वाला नमक है। 1/4 स्पून डालिए काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए ये ग्राइंड हो गया है, इस तरह से ये बन गया है। अब हम बनाते हैं चीले। तो हम रख देंगे 1 तवा गैस पर गर्म होने के लिए, और ये देखिए तवा गर्म हो गया है। तो इस पे आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए या फिर ऑयल लगा लीजिए, जो भी आप व्रत में खाते हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा बैटर, जिस तरह से हम चीला बनाते हैं उसी तरह से हमें बिल्कुल इसका बैटर भी डालना है। और इसे फैला लीजिए, जितना बड़ा आप ये चीला बनाना चाहते हैं तो उतना बड़ा आप ये बना लीजिए, और इसे सिकने दीजिए। अब ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे पलट देंगे। अब इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से सिकने दीजिए। तो ये देखिए ये सिक गया है दूसरी साइड से भी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट कर पनीर। तो इस पे डाल लीजिए खूब सारा पनीर, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो इस पे पनीर हमने डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और इसके ऊपर मैं डालूंगी 1 पिंच काली मिर्च पाउडर, जिससे कि पनीर में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। और 1 पिंच मैं डालूंगी यहाँ पर व्रत वाला नमक, और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सिकने दीजिए। तो ये देखिए नीचे से भी ये काफी अच्छे से सिक चुका है। तो बस इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ये चीला बिल्कुल तैयार है। तो अब इसी बैटर से हम बनाएंगे दूसरी रेसिपी। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर पनीर। तो यहाँ पर मैंने पनीर के इस तरह के लंबे लंबे टुकड़े काटे हैं, क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं पनीर फिंगर्स। तो इन पनीर के पीसेस को हमें पहले इस बैटर में डिप करना है। आप मसाले थोड़े और ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं सवा के चावल, तो इससे हम इस पनीर को कोट कर लेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है हमारी पनीर फिंगर। इसी तरह से हम बाकी की भी पनीर के पीसेस तैयार कर लेंगे। इस बैटर में डिप करना है हमें, और फिर सवा के चावल से कोट करना है। अब हमने रख दिया है एक पैन, और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और इन पनीर फिंगर्स को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं इनको। तो बस गैस की फ्लेम चाहे तो आप मीडियम रखिए और इनको फ्राई कर लीजिए। तो एक साइड से जब ये सिक जाए अच्छे से, उसके बाद हमें इनको फ्लिप करना है। तो एक साइड से अच्छे से सिक चुके हैं देखिए, अब इनको हम फ्लिप कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिकने दीजिए इनको। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना हमारे पनीर फिंगर्स, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। तो ये सिक गए हैं दोनों साइड से अच्छे से। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये हैं हमारे पनीर फिंगर्स। तो ये देखिए एक ही बैटर से हमने ये 2 रेसिपी तैयार कर ली है। आप भी इनको जरूर बनाएं, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें हमने कितनी आसानी से तैयार कर ली हैं, वो भी सिर्फ एक ही बैटर से। तो आप भी इसी तरह से ये व्रत में ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।